हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब माशाल्लाह ठीक होंगे। और फिर मैं यहाँ बना रही हूँ अपनी पुलाव, और ये जो मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और फिर इसको एक बॉईल आने देंगे, और फिर इसके बाद हम चिकन डालेंगे, और फिर चिकन को भी एक बार बॉईल आने देंगे। यहाँ बॉईल आ गया, चिकन को सारा हमने बाहर निकाल लिया, और एक एक करके सारे चिकन बाहर निकालने के बाद हम लोग सब्सक्राइब कर डालेंगे, और फिर सब्सक्राइब कर डालेंगे, फिर कमेंट कर डालेंगे, और फिर सारा निकाल लेंगे। इसको बोलेंगे यकनी, सारी यकनी का पानी निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर एक तपेली लिया, भगोना लिया, टोप लिया, वट एवर जो बोलते हो, उसके अंदर हमने ले लिया है कांदा, और इसको ब्राउन करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर उसके अंदर डाला है जीरा पाउडर, नमक, और फिर डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना नमक, और फिर उसके अंदर डाला है गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर, और फिर सारे चिकन को डाल के फिर इसको अच्छे से भून लेना है। इसको प्रॉपरली मिक्स करके थोड़ी थोड़ी देर पे भुनना है, वरना नीचे से पकड़ लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके अंदर दही डालना है, उसको फेटना वेटना नहीं है, डायरेक्टली डालना है जैसे लाए थे वैसे ही। फिर उसके अंदर आलू डालना है, मिर्ची डालना है, मिर्ची को बीच में से थोड़ा थोड़ा काट लेना, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना ताकि नीचे से पकड़े ना। फिर सारा यखनी हम उसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसको मिक्स करके उसके अंदर चावल को पहले ही धो के रख लिया था वो धो के उसको मिक्स करके रख देंगे, नमक टेस्ट कर लेंगे, और फिर धनिया पत्ती डाल देंगे, और फिर मिक्स करके ढक देंगे, और फिर इसको ये माशाल्लाह पक गया है, अभी थोड़ा दम पे था, और फिर ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पटकर प्लेट में निकालेंगे, और फिर देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और खाने में तो और भी ज्यादा यमी था। और जाकर सब्सक्राइब कर दो।